बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पंजाब एजुकेटर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन को डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन से। डियर स्टूडेंट्स, जब दो डिवाइसेस एक ही वक्त में एक काम करने को तैयार हों तो कंप्यूटर में हम इन्हें सिंक्रोनाइज डिवाइस कहते हैं। जब दो डिवाइसेस आपस में सिंक्रोनाइज हों, यानी एक डिवाइस डाटा भेजने के लिए तैयार हो और दूसरी डिवाइस एन इसी वक्त डाटा को रिसीव करने के लिए तैयार हो, तो ऐसी ट्रांसमिशन को सिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहते हैं। इसके बरक्स एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा भेजने और वसूल करने वाली डिवाइसेस हर वक्त सिंक्रोनाइज नहीं होती। इसमें डाटा भेजने से पहले डाटा भेजने वाली डिवाइस एक सिग्नल डाटा रिसीव करने वाली डिवाइस को भेजती है और इस सिग्नल के बाद ही दूसरी डिवाइस डाटा को रिसीव करने के लिए तैयार होती है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा करेक्टर बाय करेक्टर ट्रांसफर होता है। हर करेक्टर भेजने से पहले सेंडिंग डिवाइस रिसीविंग डिवाइस को एक स्टार्ट सिग्नल भेजती है। ये सिग्नल बिट वैल्यू 0 पर मुश्तमिल होता है। ये सिग्नल मिलते ही रिसीविंग डिवाइस एक सिग्नल को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाती है। एक करेक्टर मुकम्मल हो जाने के बाद सेंडिंग डिवाइस एक स्टॉप सिग्नल भेजती है। ये सिग्नल बिट वैल्यू 1 पर मुश्तमिल होता है। स्टॉप सिग्नल रिसीव होने पर रिसीविंग डिवाइस को पता चल जाता है कि एक करेक्टर मुकम्मल ट्रांसफर हो चुका है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हर करेक्टर के ट्रांसफर के दरमियान वक्फा यकसा नहीं होता। ये तरीका सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की निस्बत स्लो और इनएफिशेंट है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डेटा ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसफर होता है और हर ब्लॉक के अंदर बहुत से करेक्टर होते हैं। क्योंकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में दोनों डिवाइसेस सीपीयू क्लॉक की मदद से सिंक्रोनाइज्ड होती हैं, इसलिए स्टार्ट या स्टॉप सिग्नल की जरूरत नहीं होती। ज्यादा बड़ी मकदार में डेटा ज्यादा तेजी से सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की मदद से ट्रांसफर किया जा सकता है और ये तरीका कंप्यूटर और इससे रिलेटेड डिवाइसेस मसलन प्रिंटर के दरमियान रिमोट कम्युनिकेशन के लिए मौसर है।